मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विकास राणा, प्रेसिडेंट मोटिवेशन फिटनेस क्लब लोअर लंबागांव। सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि हम बच्चों को कुछ बता सके, और साथ में जो भी यहाँ पे अध्यापक उपस्थित हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, और मेरे साथ यहाँ पे आए पत्रकार अतुल जसवाल और यश मेहरा जी का भी बहुत स्वागत है, और बच्चों का भी जो मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नशे के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि नशा कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है। आजकल जो आपकी एज के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा नशा फैल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्पीच है वो एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस शायरी का मतलब क्या है, कि जो हम सपने देखते हैं वो सिर्फ सपने सोच के ही पूरे नहीं होंगे। जैसे आप में से मैक्सिमम बच्चे सोचते होंगे कि मुझे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी इंजीनियर बनना है, तो वो सपने सोचना और उसके ऊपर प्रक्रिया करना वो अलग बात होती है। जैसे अगर आप में से मैक्सिमम लड़के आर्मी की तैयारी सोच रहे होंगे कि मुझे आर्मी में जाना है, तो सोचना सपना देखना अलग बात है कि मैंने सपना सोचा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो भी करनी पड़ेगी। सपना सोचने से नहीं होगा कि मुझे आर्मी में जाना है, उसके लिए आपको सुबह जल्दी से उठना पड़ेगा। ये नहीं कि जब आपका टेस्ट आ गया कि रनिंग है अगले महीने तो तब तैयारी करनी है, शुरू से ही तैयारी करनी है कि मुझे रनिंग करनी है। बाकी जो भी रहता है डिसिप्लिन सबसे पहले रहता है, जैसे आप स्कूल में भी आ रहे हो तो आपको डिसिप्लिन में ही रहना है। तो अभी मैं आता हूं नशे के ऊपर, ये नशा है क्या चीज और होता कैसे शुरू है। जैसे आजकल स्कूलों में ज्यादातर नशा होता है, नशा कई प्रकार का होता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू लिक्विड जो आजकल फैल रहा है हर जगह पे, हमारे एरिया पे भी अभी तक अभी जो है वो फैलना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नशा शुरू कैसे होता है। जैसे आप में से कोई बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा सोच लो, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो एक बच्चा सिगरेट पीता है या तंबाकू खाता है, तो वो दूसरे बच्चे को कैसे लत लगाएगा इस चीज की। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक सिगरेट लाएगा और उसके सामने पिएगा, अपने दोस्त के सामने जो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा। पहली बात यह कि बेस्ट फ्रेंड उसे बनाना है जिसमें कोई कुरीति ना हो, जिसमें ऐसी चीजें जो कोई करता ना हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक सिगरेट लाएगा और दूसरे बच्चे को सिखाएगा कि देख कितना मजा आता है सिगरेट पीने से, पिएगा स्टाइल से जन्नत का मजा आता है, ऐसे बोलेगा उस स्टाइल से। तो दूसरा बच्चा जो पीता नहीं होगा वो सोचेगा यार सही बोल रहा है कि ऐसा टशन में, मतलब सिगरेट पीने का टशन होता है। तो धीरे धीरे एक दो बार उसको बोलेगा नहीं एक सूटा लगा ले बड़ा मजा आता है, तो उसको वो शुरुआत करवाएगा कि ले पी। पहले वो अपनी जेब से पिलाएगा या कोई और नशा जैसे गुटखा खिलाएगा तो वो उसको अपनी जेब से खिलाएगा, ले खा तो सही थोड़ा सा तो खा बड़ा मजा आता है। और होता ऐसा है कि जैसे जैसे वो घर पे जाएगा शीशे के सामने पिएगा गुटखा खाएगा तो उसको लगेगा कि यार सच में बड़ा मजा आ रहा है। जब उसको उस चीज की लत लग जाएगी ना तो वो फिर बोलेगा जा अब ऐसा काम करना कल अपने पैसे लेके आना तो तू वो पिएगा। तो घर से कैसे भी करके फिर उसके दिमाग में क्या होता है कि जब एक बार नशा चढ़ गया ना, एक बार जब नशा लग गया कि मुझे नशा करना है, तो फिर दिमाग सुन्न हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक तो अगर घर पे मम्मी पापा पैसे नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा या कुछ भी कर सकता है, मंदिर से पैसे उठाएगा या कोई ना कोई बहाना करके वो पैसे लेगा, पापा की जेब से निकाल लेगा, कहीं ना कहीं से वो पैसे वहां से निकाल लेगा क्योंकि उसको लत लग गई है। ऐसे करके क्या करते हैं, वो जो पीने वाला होता है ना वो बिगाड़ता है कि कैसे नशे की आदत डालनी है। जरूरी नहीं लड़कों में, आजकल लड़कियों में भी नशा हो रहा है, हर चीज का नशा हो रहा है। जैसे झंडू वहां मिलता है उसका नशा कर रहे हैं,
सिगरेट का नशा कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जो होता है वो नशा, ठीक है, जो अगर नशा करता है ना वो शुरू में बोलेगा जैसे भांग जलती है, भांग पीते हैं ना यहाँ की साड़ी के बच्चे, आप देखते होंगे आपके बड़े, देखना ही देखना, यूज मत करना कभी भी, शुरू शुरू में बड़ा मजा आएगा, जैसे अगर कोई दौड़ लगाते हैं ना, दौड़ लगाता है तो जैसे वो भांग का नशा करेगा ना तो एक ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लेगा भांग पी के, पर धीरे 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 करके वो अंदर से खत्म होता जाएगा। शुरू शुरू में बड़ी मतलब वही ना कि टशन, पूरा ऐसे टशन में पिएगा और बड़ा मजा आएगा, वो स्टैमिना बढ़ेगा, बॉडी बनेगी, वो दूसरे को बोलेगा देख नशा करने से कितना फायदा हो रहा है, पर वो 5-6 महीने ही फायदा होता है, फिर पूरी उम्र क्या होता है, और नशे की लत लग गई फिर वो ऐसे यहां जो आपकी पौड़ी है ना ऊपर वहां तक नहीं चढ़ पाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाती नशे के कारण। तो हमें क्या करना है, देखो जिसको आदत पड़ गई है उसकी आदत छुड़ानी है। हमने हमेशा कहावत सुनी है कि एक सेब सारे सेबों को खराब कर देता है। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नशा करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसको हटा देना अपने आप से कि इसको दूर करो, उसको बुरा ना लगे, तो ऐसा करना है कि उसको मोटिवेट आपने करना कि यार नशा मत कर, नशा करने के ये दुष्प्रभाव होते हैं। आपको अपने आप को इतना ताकतवर बना लेना है कि आपको कोई बुरी चीज सिखाए तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भगवान जिसको आप मानते हो, भगवान के ऊपर अच्छे संस्कार, अपने मम्मी पापा से अच्छे तरीके से बात करनी, जो नशा करता है ना, नशा करता है उसकी आदत देखना आप, वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करेगा और ना अपने गुरुजनों का आदर करेगा। एक चीज आपको बताता हूँ, आप बच्चे हो स्कूल में, हम भी बच्चे थे, जब हम बच्चे थे ना, जब मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि मेरे आसपास ना टीचरों का निकनेम रखते हैं और हंसते हैं कि टीचर को पता नहीं चले, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, तब हम बच्चे थे जैसे आप हो, मैं भी आपकी तरह था, तो मुझे भी पता नहीं चलता था, तो हम एक चतुर शब्द होता है कि बड़े चतुर बनते थे कि मैंने टीचर का मजाक बना दिया, मैंने ऐसा कर दिया। पर आपको एक चीज समझ में नहीं है, इस साल इतने बच्चे हैं ना, तो वो कब से पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो उनको सब पता होता है कि ये बच्चा कितनी तेज है, ये बच्चा कैसे है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर जब भी बाहर मिल जाते थे तो हम उनके आदर करते थे, उनके पांव बांधते थे, उनको नमस्ते करते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर दिख गया तो पीछे घूम जाएंगे या उल्टी सीधी बातें करेंगे या बड़े खुश होंगे कि हमने टीचर को मूर्ख बना दिया। कभी ऐसा मत सोचना, टीचर जो होता है उसको सब पता होता है कि कौन बच्चा कितना तेज है, कौन बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो इग्नोर करता है, वो इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि वो सोचता है चल जाने दे, माफ कर दे, ये अभी बच्चा है। पर कभी आप ये मत दिल में लगाना कि मैंने यार टीचर को मूर्ख बना दिया, मैंने काम नहीं किया, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, या टीचर खुद इग्नोर करते हैं क्योंकि आप नहीं, उनके पास लाखों बच्चे पढ़ गए आपकी तरह, उनको सब पता होता है। वो बोलते ना कि एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, लास्ट में टीचर ही आपको नंबर देंगे, उनको पता है, वो लास्ट तक इंतजार करते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। तो हम ऐसे करते हैं कि टीचरों का मजाक बनाते हैं, बाहर कहीं मिल जाए तो उल्टी सीधी हरकतें करते, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि जिसने इस एज में टीचर का अपमान कर दिया ना, ये शास्त्रों में भी लिखा है, जो अपने गुरुजनों और अध्यापकों और माता पिता का निरादर करता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये चाहे आप लिख के ले लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, आप देख लेना, जो बच्चा अपने टीचरों अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता है। ये आपने भी देखा होगा, देखा है ना, हाँ या ना? तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं टीचर को मूर्ख बना दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचरों को सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अभी आते हैं हम नशा क्या करवा देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नशा करता है ना उसको इतनी लत लगी होती है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है, वो नहीं सोच पाता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जैसे आपको बताया, चोरी करेगा। अगर उसको घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो मंदिरों से पैसे उठाएगा, या उसको लत जब लग जाती है, एक बार नशा लग गया ना तो चाहे कितना मर्जी जोर लगा लेना, कोई 100 में से 1% ही ऐसा बंदा होगा जो छूट पाएगा नशे की लत से। नशे की लत से छूटना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो कोशिश करना और अपने दिल को इतना स्ट्रोंग बना लेना कि किताबों का करो, पढ़ाई का करो, क्योंकि अभी जो आप नशा कर रहे हो ना, जो भी करते हैं, आपने सुन लिया कि करते हैं, तो
अभी तो मजा आ रहा होगा आपको कि यार बड़ा टशन से यार मैं गुटखा खा रहा हूँ या भांग पी रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ, मजा आ रहा है। पर ये 4-5 महीनों बाद देखना वो मजा जो होगा ना, वो दिमाग को सुन करके जब माँ बाप के सामने जब बेइज्जती करवाएगा। एक चीज सोचो आप अपने दिमाग में जो यहाँ पे बैठे हैं, आप कहीं बाजार में गए अपने मम्मी पापा के साथ में और किसी ने आपको नशा करते हुए देखा है कहीं, और आपके मम्मी पापा के सामने वो आ जाए और बोले कि आपका बेटा नशा करता है और सारे गांव के लोग उनके साथ में, तो आपके मम्मी पापा के ऊपर कैसी बीतेगी? कभी ये बात सोच लेना नशा करने से पहले। नशा करने से पहले वो सोचना कि आपके घर पे भाई है, आपकी बहन है, आपके मम्मी आपके पापा हैं, आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। कि आपने बोला कि मेरे को नए जूते लेने हैं, उनके पास पैसे नहीं भी होंगे किसी के घर में तो भी वो अपने दुखी होके भी वो पैसे देंगे कि जा मेरे बेटे को दुख ना हो। तो आप इतना तो अपने मम्मी पापा के लिए कर सकते हो कि नशे से दूरी बना के रख सकते हो। कर सकते हैं? थोड़े जोर से बोलो, सो गए क्या सारे? हाँ, तो ऐसा करना है कि पढ़ाई जो आपके टीचर आपको सिखाते हैं, ये नहीं सोचना कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिसको समझ में नहीं आ रहा, स्कूल इसीलिए खोले जाते हैं कि टीचर को एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीन बार पूछो। और इस स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ, काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो आप उनसे चाहे 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, वो आपको आंसर बताएंगे। पर ये नशे से दूर रहना है। नशा क्या कुछ करवा देता है, कभी आपने कोई शराबी देखा है घर पे? देखा है ना, टीवी में भी देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, फेसबुक में भी, नशा पीकर उसने, नशा खाकर उसने ऐसी हरकत कर दी, कोई गली में गिरा है, कोई अपने घर पे दरवाजे पे गिरा है। नशा करने वाले के साथ में घर वाले के बच्चे और बेटियां नहीं चलती हैं। एक कहावत है ना, जिस घर में पी जाती है शराब वो घर कभी नहीं होता आबाद। वैसे कहावतें नहीं बनाई हैं। तो जितना हो सके नशे से दूर रहना है। आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती तो ऐसे जैसे डम्ब होते ना, डम्ब बैठे हुए सिर नीचे करके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या करना, तो वो चीजें हर चीज गेन करनी होती है। ये उम्र होती है हर चीज सीखने की, छोटी छोटी चीजें सीखने की। तो हम क्या करते हैं कि हमें अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लूं तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से एक भी बच्चा उसका आंसर दे पाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, ट्यूशन की स्पेलिंग कोई बता सकता है मेरे को? ट्यूशन की जो सब पढ़ते हैं, ट्यूशन की स्पेलिंग कोई करेक्ट बता सकता है कि हाथ खड़ा करता हूं मेरे को ट्यूशन की स्पेलिंग आती है? है कोई बच्चा जो ट्यूशन की सही स्पेलिंग मुझे बता दे? और सब बच्चे पढ़ते होंगे, है कोई? कोई बात नहीं, बताओ। गलत होगी, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। TUTION गलत है। और कोई? बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आपने हौसला किया। और कोई है लड़कियों में जो बता सके ट्यूशन की स्पेलिंग? क्योंकि आपको नहीं, गलत है, बैठ जाओ। यही देखो, ये बेसिक है जो हर कोई बच्चा पढ़ता है। और आपने देखा होगा ट्यूशन सेंटर हर आप जिसमपुर जाते होंगे 10 ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या है। TUITION TUI होता है। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। जो आपको साइकोलॉजी की स्पेलिंग, कोई बता सकता है साइकोलॉजी की स्पेलिंग किस अक्षर से शुरू होती है? ठीक है, तो ये चीजें जो होती है बेसिक आपको सीखनी है। जो आपको चीज समझ में नहीं आती वो आपको पूछनी है, बार बार पूछनी है। कोई टीचर नहीं है जो आप मेरे को बता दो कि कोई टीचर आपके प्रिंसिपल भी आपके सामने बैठे हैं कि मैंने इस टीचर से पूछा, इस टीचर ने मेरे को मना कर दिया। कोई है? नहीं है ना। तो आपको हर चीज बार बार सीखनी है, बार बार पूछनी है। और नशे के दुष्प्रभाव जो होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। हर दोस्त वैसा बनाना, एक मॉडल होता है ना, रोल मॉडल।